हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्योर स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, प्योर स्ट्रेटेजी क्या था कि प्योर स्ट्रेटेजी एक डिसीजन रूल था, और उसमें हम लोग एक पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करते थे। और जो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है, यह भी एक डिसीजन रूल है, और इसमें हम लोग सिलेक्शन अमंग प्योर स्ट्रेटेजीज विथ प्रोबेबिलिटीज, हम लोग इसमें प्योर स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग उसके प्योर स्ट्रेटेजी के बीच के प्रोबेबिलिटीज को भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स मेरा मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। अब आइए, हम लोग मिक्स्ड स्ट्रेटेजी को लेकर एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है ऑड मेथड, उस मेथड को देखते हैं, और उस मेथड में किस तरह से गेम प्रॉब्लम के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसके वर्किंग रूल को देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो मिक्स्ड स्ट्रेटजी है, जिसको हम लोग ऑड मेथड बोलते हैं, देखिए आप उस मेथड से किस तरह से किसी भी गेमिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं पहला बात आपको और बता दूं, जो आपको हमेशा मेमोरी में फिट रखना है, यानी कस्टम टू मेमोरी। और ये जो मेथड यूज होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा 2x2 मैट्रिक्स, यानी रो भी 2 होगा, कॉलम भी 2 होगा, तभी यह मेथड अप्लाई होता है। नहीं तो आप इस मेथड को अप्लाई मत कीजिएगा। हम लोगों ने जो पिछला मेथड पढ़ा था, मिनी मैक्स मैक्सिमिन मेथड, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग आगे पढ़ेंगे सैडल मेथड, और उसके बाद डोमिनेंस रूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अगर आपका मैट्रिक्स 2x2 में होता है, तो ही आप मिक्स्ड स्ट्रेटजी या ऑड मेथड को आप अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें और एक क्या बात है, अभी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आएगा, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप फॉर्मूला याद करके अगर आप करना चाहें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हम लोग इसका जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, हम लोग उसको भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके ट्रिकी कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में जो हम लोग का पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें हम लोग इसके फॉर्मूले का यूज करके इसी काम को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सॉल्व द फॉलोइंग गेम प्रॉब्लम यूजिंग ऑड मेथड और मिक्स्ड स्ट्रेटजी मेथड। यानी ये जो गेम प्रॉब्लम है, इसको आपको ऑड मेथड से या मिक्स्ड स्ट्रेटजी मेथड से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहां पर प्लेयर ए है और प्लेयर बी है, यहां पर जो कुछ वैल्यू दिया है -2, 3, 3, -4, और अगर आप देखें फ्रेंड्स, ये जो मैट्रिक्स है हमारा 2x2 का, यानी रो भी 2 है और कॉलम भी इसका 2 ही है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं कि आप इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो जो मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एज इट इज यहां पर लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख रहे हैं, यहाँ पर मेरा जो वैल्यू है, हम लोग सभी वैल्यू को भी लिखेंगे। ऊपर में हमारा प्लेयर बी है, प्लेयर बी, ठीक है, और ये है हमारा प्लेयर प्लेयर ए, ठीक है। यहाँ पर है हमारा ए वन और ए टू, और यहाँ पर है हमारा बी वन और बी टू, ठीक है। और जो वैल्यू सब दिया है हमारा -2, 3, 3 और -4, ठीक है। आप इस तरह से वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद आपको इस तरह से आपको बना देना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या काम करना है, देखिए आप जो घटाएंगे आपको मॉड में घटाना है, आप जो भी घटाएंगे आपको मॉड में घटाना है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये दोनों को जब आप घटाएंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा आपको ऐसे लिखना है, मतलब यहां पर लिखना है, और इसका जो वैल्यू आएगा आपको इस साइड में लिखना है। ये दोनों का जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, और ये दोनों का जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ पर लिखना है। आपको इस तरह से छापना नहीं है एग्जाम में, आपको सीधे वैल्यू लिख देना है, केवल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में छापने का जरूरत नहीं है, आपको केवल वैल्यू लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग उस तरह से मॉड में लेके घटाते हैं। तो -2 और 3 को अगर घटाएं, तो -2 -3 मॉड में लगा के घटाएंगे, तो इसका वैल्यू आएगा -5, यानी आ जाएगा मेरा 5, ठीक है। 5 आ गया ना, 5 आ गया, यानी इस दोनों घटा के वैल्यू कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है, माने हम लोग वैल्यू तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए हमने तो वैल्यू लिख दिया, एक काम हो गया, अब इसमें काम करते हैं, इसको और इसको घटाना है, तो चलिए घटाते हैं 3 -4, इसको जब घटाते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 7, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 7, और ये दोनों को घटाने के बाद आपको लिखना कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम ये दोनों को घटाते हैं,
ये दोनों को घटाना है आपको, तो माइनस टू है और थ्री है, तो माइनस टू माइनस थ्री ये दोनों को अगर घटाते हैं तो हमारा आएगा फाइव, ठीक है। और फाइव जो है आपको कहाँ लिखना है, मैंने आपको बताया है कि ये दोनों को घटाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, यानी फाइव हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। चलिए अब ये दोनों बाकी है, ये दोनों घटाते हैं, थ्री माइनस फोर, तो थ्री माइनस माइनस फोर, माइनस घटाइए माइनस फोर तो है। चलिए जब इसको घटाते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा सेवन आएगा, और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों को घटा के, ये दोनों को आप घटा के देखिए तीर किधर है, तो आपको इस साइड लिख देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा फैक्ट आने वाला, इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि आपको इस तरह से होगा तो ही आप मिक्स्ड स्ट्रेटजी या ऑड मेथड सब कर सकते हैं। देखिए ऐड कीजिए, सेवन और फाइव को अगर ऐड करेंगे तो हमारा इधर कितना आएगा, ट्वेल्व आएगा, और सेवन और फाइव को इधर भी ऐड करने से कितना आएगा, ट्वेल्व, यानी इधर से भी हमको ट्वेल्व मिल रहा है और इधर से भी हमको कितना मिल रहा है, ट्वेल्व मिल रहा है। यानी देखिए दोनों तरफ से हमको समान समान मिला ना, ट्वेल्व मिल रहा है तो ही हमारा ऑड मेथड यहाँ पर यूज होगा। मान लीजिए एक ट्वेल्व दे रहा है और कोई एक दूसरा मान लीजिए 11 दे रहा, 13 दे रहा, तो इसमें मेरा मेथड अप्लाई नहीं होगा। अगर इस तरह से आए तो ही मेरा मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए ये हुआ, उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ गेम निकालना है, तो आप यहां तक लिख लेंगे, उसके बाद आप यहां से लिखिएगा, ठीक है। हम यहां तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गेम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए के लिए गेम वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नीचे नीचे लिखिएगा, और आप ये जो चीज़ है ये चीज़ आपको परीक्षा में लिखने का जरूरत नहीं है, और ये भी सब चीज़ आपको परीक्षा में देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए। तो सबसे पहले हम लोग ए के लिए गेम वैल्यू निकालते हैं, तो ए के लिए देखिए आप किस तरह से निकालिएगा, यहाँ पर जो चीज़ रहेगा आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर जो चीज़ रहेगा आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को जोड़ देना है, और यहाँ पर जो चीज़ है इससे आपको भागा देना है। देखिए आप किस तरह से करेंगे, चलिए करते हैं। ये जो माइनस टू है इस सात से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस टू इंटू सेवन हो जाएगा, प्लस देना है, ये थ्री को आपको फाइव से मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री इंटू फाइव हो जाएगा, बटे में आप क्या लिखिएगा, ये जो यहाँ पर है इसको आपको लिखना है, ठीक है। देखिए अब हम लोग आगे करते हैं, माइनस टू इंटू सेवन तो आपका हो जाएगा माइनस फोर्टीन, प्लस थ्री फाइव जा फिफ्टीन बाय ट्वेल्व, ठीक है। और पंद्रह में अगर चौदह घटाएंगे तो आपका आएगा एक बट्टे बारह, यानी जो ए के लिए गेम वैल्यू आया वह आया एक बट्टे बारह। इसी तरह अगर आप वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी, अगर बी के लिए निकालते हैं तो कुछ नहीं होगा, बल्कि यही चीज रह जाएगा, इसके साथ एक माइनस चिन्ह आएगा, यानी माइनस एक बट्टे बारह हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए, तो सबसे पहले हम लोग ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी निकाल रहे हैं, तो ए के लिए सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, ए वन होगा और ए टू होगा। तो देखिए आप ए वन कैसे निकालेंगे, ए टू कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले आप ए वन देखेंगे ना, तो ए वन के सेंटर में जाइए, आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, सेवन है, तो सेवन लिखना है ऊपर में, बटे दे के आपको यहाँ पे जो चीज़ है इसको आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरह ए टू में जब जाइएगा तो ए टू के सेंटर में क्या है, फाइव है, तो आपको फाइव लिखना है बटे बारह, ठीक है। उसी तरह जब आप बी वन का लिखेंगे तो बी वन के सेंटर में क्या है, सेवन, तो सेवन बटे बारह। जब बी टू का लिखेंगे तो यहाँ पे बी टू के सेंटर में क्या है, फाइव, तो फाइव बटे बारह। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग ए वन के लिए लिखते हैं क्या होगा, सेवन बटे बारह, और ए टू के सेंटर में क्या है फ्रेंड्स, देखिए ए टू के सेंटर में पाँच है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा पाँच बटे बारह, ठीक है। चलिए बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए के लिए हो गया, अब हम लोग निकालते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बी। अब हम लोग बी के लिए देखेंगे, तो बी के लिए जो हमारा होगा, पहला होगा बी वन और दूसरा होगा बी टू। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बी वन के सेंटर में क्या है और बी टू के सेंटर में क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो है बी वन के सेंटर में सेवन है और बी टू के सेंटर में फाइव है, तो यहाँ पर एक लिखेंगे सेवन बटे बारह और एक लिखेंगे फाइव बटे बारह, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रेटजी ऑफ बी, एक हो जाएगा सेवन बटे बारह और एक हो जाएगा आपका देख लेते हैं थोड़ा सा,
जो B1 है वो 7/12 और B2 होगा 5/12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 5/12 B2 के लिए क्या होगा आपका 5/12। तो इस तरह से आप बेस्ट स्ट्रेटर्जी और वैल्यू ऑफ गेन इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर B1 है, B2 है, ठीक है, आपका यहाँ पर A1 है, A2 है, ये आपका प्लेयर A है और ये आपका प्लेयर B है, ठीक है, प्लेयर A और प्लेयर B, और जो कुछ वैल्यू दिया है फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार से 0 है, -10 है, 1 है और 2 है। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू। हम लोग इसको सबसे पहले ऑड मेथड से चेक करेंगे फ्रेंड्स, ऑड मेथड देख लेते हैं क्योंकि 2×2 का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑड मेथड से देखते हैं कि ऑड मेथड से सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन तो जैसे जो आपको फिगर दिया गया है, जो आपको प्रॉब्लम दिया गया, आप सबसे पहले उसको बना लें, B1 B2 A1 A2, ठीक है, प्लेयर B और इधर आपका प्लेयर A है, ठीक है। चलिए आगे का काम करते हैं, जो मान दिया गया है 0 है, 1 है, -10 है और 2 है। मैंने आपको बताया था कि आपको मॉड में काम करना है, इसको इसको आप माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो 0 माइनस -10 अगर करते हैं मॉड में तो सिर्फ मेरा 10 आएगा, और इसको घटाने के बाद मैंने आपको बताया था कि लिखना किधर है, इधर यहाँ पर इसका वाला 10 आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको घटाते हैं, तो 1 माइनस 2 को अगर घटाया जाए तो आएगा आंसर आपका 1, यानी 1 लिखना है आपको यहाँ पर। अब इधर घटाते हैं, 0 1 को अगर घटाएं, 0 -1 मॉड में करेंगे तो 1 आएगा, जो आपको इसका वाला इस साइड में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख दिए इस तरह से। चलिए अब ये दोनों को घटाते हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों घटाना है -10 और 2 को, -10 -2 इसको करेंगे तो आएगा 12, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर जोड़ें आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप ध्यान से, इसको अगर जोड़ते हैं तो 10 और 1 कितना आएगा, 11 आएगा, और अगर इस साइड को जोड़ते हैं तो 12 और 1 कितना आएगा, 13 आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी हमारा यहाँ पर जो है ऑड मेथड काम नहीं करेगा, यानी जो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का जो ऑड मेथड होता है वो हमारा यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको और एक मेथड बताया था, मिनी मैक्स मैक्सिमम मेथड, तो आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी मेथड से इसका निकालते हैं वैल्यू ऑफ गेम। तो देखिए फ्रेंड्स, वह जो मेथड है मैंने आपको बताया था, तो यहां पर हम लोग उस मेथड की यूज करते हैं, जैसे 0 है, 1 है, -10 है और 2 है, ठीक है। तो यहां पर A1 A2 B1 B2 ये होता है प्लेयर, प्लेयर A और ये आपका हुआ प्लेयर B, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो मिनी मैक्स मैक्सिमम मेथड है, अब हम लोग उस मेथड को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमने बताया था कि प्लेयर B का जो स्ट्रेटेजी होता है वह होता है मैक्सिमम, मैक्स मिन, और ये आपका होता है मिनी मैक्स, ठीक है, मिनी मैक्स। और रो जो होता है, रो होता है हमारा मिनी मैक्स, मिनी मैक्स, ठीक है, और जो कॉलम होता है हमारा, कॉलम होता है मैक्स मिन, ठीक है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख लें, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। तो रो मिनिमम, तो रो में मिनिमम कौन है, तो यहाँ पर -10 है, यहाँ पर 1 है। कॉलम मैक्सिमम कौन है, 0 1 में 1 मैक्सिमम, यहाँ पर 2 मैक्सिमम। अब मैक्सिमम में मिनिमम कौन है, तो यहाँ पर 1 है, और इधर मैक्स मिनिमम में मैक्सिमम कौन है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 1 है। तो यह जो वैल्यू है ये हमारा मैक्सिमिन वैल्यू है, मैक्स मिन वैल्यू, और यह जो वैल्यू है हमारा यह है मिनी मैक्स वैल्यू, मिनी मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ गेम आया, वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम कितना आ गया, 1 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख लेते हैं। ए का जो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स, देखिए वन जो है वो ए टू के सेंटर में है तो यह ए टू हो जाएगा, और जो बी के सेंटर में वन क्या है, बी वन के सेंटर में वन है तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, बी वन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग और एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम लोग और एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर है 4, 1, 2, 3, ठीक है। इस तरह से आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, इधर आपका हो जाएगा B1, B2, इधर A1, A2, ये हो गया प्लेयर प्लेयर बी, और ये आपका हो जाएगा प्लेयर ए, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए आपके पास और एक क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप इसको बनाइए। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, सीधे सॉल्यूशन करते हैं। जो आपका प्रॉब्लम दिया है आप उसको एक बार लिख लें, बेटर रहेगा। हमने लिख लिया 4, 2, 1, 3, B1, B2, A1, A2, प्लेयर बी, और इधर प्लेयर ए, ठीक है, प्लेयर ए बी लिख लिया हमने। चलिए अब हम लोग आगे का काम करते हैं, क्या करना है, मैंने आपको बताया था ये दोनों को घटाना है, तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है, 2 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर अगर जोड़ा जाए तो 3 और 1 4 होगा, और इधर भी जोड़ा जाए 2 और 2 4 होगा, यानी 4 4, यानी इसमें हमारा जो मेथड है और मेथड वह अप्लाई होगा। अब आइए फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग वैल्यू ऑफ गैम फॉर ए और वैल्यू ऑफ गैम फॉर बी और इसका जो बेस्ट स्ट्रेटर्जी होगा उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ गैम फॉर ए। मैंने आपको ए का जो गैम वैल्यू निकालने का आपको मैंने कंडीशन बताया है, क्या करना चाहिए आपको, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 4 × 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 और 3 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे बाय आपका जो यहाँ पर जो चीज़ है, आपको इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है, तो 4 × 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 = 6/4, और 4 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 10/4, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, यानी यह मेरा जो आ जाएगा 5/2। ये हमारा ए के लिए गेम वैल्यू आया। अब हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ गैम फॉर बी। तो बी के लिए कुछ नहीं होगा, यही चीज रह जाता है, बल्कि एक -5/2 आ जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी निकालते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए। तो ए के लिए सबसे पहले हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी निकालेंगे, तो ए के लिए हो जाएगा A1 और A2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो A1 है तो A1 के सेंटर में हमारे क्या है, 1 है, और A2 के सेंटर में 3 है, तो A1 के लिए हो जाएगा 1/4 और A2 के लिए हो जाएगा 3/4। तो चलिए हम लोग लिखते हैं A1 के लिए 1/4 और A2 के लिए 3/4। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर B के लिए देखते हैं, ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बी। तो फ्रेंड्स अगर बी के लिए देखें तो पहला अगर हम लोग B1 देखते हैं और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, B2 देखेंगे, तो देखिए दोनों में क्या होता है। तो जो B1 है तो B1 के सेंटर में हमारा क्या है, 2 है, और B2 के सेंटर में भी हमारा क्या है, 2 है, तो एक 2/4 हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए B1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2/4, तो 2 × 2, 2 × 4, यानी 1/2, और इसके लिए भी क्या होगा, 2/4, यानी 2 × 2, 2 × 4, यानी 1/2। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग गैम वैल्यू और बेस्ट स्ट्रेटेजी निकालेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को कॉमेंट करें। थैंक यू।